न्यूज लाइव 18 की खबर का हुआ असर। खबर दिखाए जाने के बाद बिहार से पहुंचे स्कूल निरीक्षण पर शिक्षकों को दिए जाएंगे नोटिस। लापरवाही करने वाले शिक्षकों को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा और कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। हमारे चैनल द्वारा खबर के माध्यम से बताया गया था कि हजूरी नगर एक परिसर एक शाला में जहां मिडिल और हाई स्कूल संचालित हो रहा था, जिसमें शिक्षक मनमाने तरीके से स्कूल जाते थे। समय पर शिक्षक उपस्थित ना होना जिससे बच्चों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता था। खबर दिखाए जाने के बाद बीआरसी कार्तिक खरे निरीक्षण करने पहुंचे। उनके द्वारा भी यही पाया गया कि शिक्षक स्कूल परिसर में मौजूद नहीं थे। काफी देर बाद शिक्षक स्कूल पहुंचे, शायद अन्य स्टाफ द्वारा सूचना पहुंचा दी गई होगी। बीआरसी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, इसलिए शायद वह स्कूल पहुंच गए थे, लेकिन बीआरसी द्वारा बताया गया कि इन दो शिक्षकों को नोटिस दिए जाएंगे। आखिर क्या कारण है स्कूल लेट पहुंचने का, और साथ साथ शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी बीआरसी द्वारा सवाल उठाए गए हैं। यहाँ हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों एक साथ हैं, एक साल एक परिसर में है, EBES में। ये सच्चाई है जो भ्रमण पे हमें देखने को मिला कि शैक्षणिक व्यवस्था में इतनी अच्छी स्थितियां नहीं हैं। इन्हें हम सुधारने के निर्देश देंगे प्राचार्य महोदय को। और माध्यमिक खंड में जो स्थिति देख रहे हैं, छात्र संख्या वास्तव में अच्छी है, रसोइयों की भी स्थिति उपस्थिति पर्याप्त है। चार रसोइया यहाँ नियुक्त हैं, चारों रसोइया यहाँ पे उपस्थित हैं, वो अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। माध्यमिक खंड में 7 शिक्षक यहाँ पदस्थ हैं, जो इन्होंने बताया भी प्रधानाध्यापक के द्वारा, जिसमें 5 लोग उपस्थित हैं, 1 जन ओडी पे हैं और 1 मेडिकल पे हैं। इस तरह से शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में इन्होंने जो जानकारी दी। छात्रों की संख्या हमने देखी, वो संतोषजनक है, ड्रेस में भी है, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है उससे हम व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनके नाम हमने नोट कर लिए हैं और उनको निश्चित तौर पर नोटिस जारी किए जाएंगे, उनसे जवाब प्रस्तुत मांगा जाएगा। इसमें आलोक तिवारी और रायजहां बेगम, ये 2 लोग हैं जो आए उपस्थित, अभी बाद में आ तो गए हैं लेकिन देर से आए हैं, है ना। निरीक्षण के दौरान जो लोग उपस्थित नहीं थे अभी बाद में आ चुके हैं, उस समय नहीं थी, तो इनसे निश्चित तौर पर जवाब मांगा जाएगा। आज जब 11:40 पे हम यहाँ उपस्थित हो गए थे, लगभग 10:40 पे आज हम जब यहाँ उपस्थित हुए, उस समय दोनों संस्थाओं में प्रार्थना संचालित पाई गई, शिक्षक भी उपस्थित थे। 1 या 2 शिक्षक उपस्थित नहीं थे, उनके लिए हम नोटिस जारी करेंगे और वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। कहा गया है कि शिक्षण व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। इस स्कूल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और लापरवाही करने वाले शिक्षकों को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा और कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। कैमरामैन शुभम श्रीवास्तव के साथ संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट, न्यूज लाइव 18।